अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस वंस अगेन। होपफुली आपको जो है वो बड़ी लर्निंग हो रही होगी प्रोबॉट के बारे में, डिफरेंट ट्यूटोरियल्स के बारे में। अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि हमारे ट्यूटोरियल्स आपको किस तरह से लगे, उसमें सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं नहीं आ रही। आज हमारा जो ट्यूटोरियल है बड़ा छोटी सी चीज़ है, हम इसमें ये सिखाएंगे किस तरह से इस प्रोबॉट को आप अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। इसके लिए हमें क्या यूज़ करना है गैस करें, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या चीज़ है, डेटा केबल। ठीक है, तो डेटा पोर्ट के लिए इसका मतलब ये है कि मुझे डेटा केबल यूज़ करनी होगी। डेटा केबल के अंदर इसके जो ये वाली यूएसबी पोर्ट है, इसको हम रोबोट के अंदर कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। और फिर उसके बाद जो इसकी यूएसबी केबल है, अगर इसको हम देखें तो हमारा जो भी आपका लैपटॉप है या पीसी है, उसमें आप यूएसबी पोर्ट की साइड पर कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। तो ये सिंपल तरीका है, इससे क्या हुआ कि आपका रोबोट जो है वो फिज़िकली कनेक्ट हो गया है। अच्छा, एक बात का ख्याल रखें कि ये जो सिर्फ हमने कनेक्ट किया है वो इसलिए है कि आपके सॉफ्टवेयर से जो भी इंस्ट्रक्शन है वो ट्रांसफ़र हो जाए। वंस यू ट्रांसफ़र ऑल द इंस्ट्रक्शन इन द रोबोट, आप इसको डेटा केबल को निकाल सकते हैं और इसको ऑन करेंगे, जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दी होगी वो सारी की सारी इस रोबोट के अंदर सेफ हो गई होगी। तो ऐसा नहीं है कि आपने हर वक्त इसको कनेक्ट करके रखना है, सिर्फ उसी टाइम कनेक्ट करना है जिस टाइम पे आपने रोबोट के अंदर से रोबोट के अंदर प्रोग्राम अपलोड करना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।